Assalamu alaikum, I am Muhammad Nabi Daftar from New Messina Science Secondary School. Today we can discuss exercise 4.1, question number 5. Question number 5, इसका हम part 5th जो है आज discuss कर रहे हैं. इससे पहले हमने कुछ parts solve किए थे, हमने इनको simplify किया था, जो उस वक्त मौजूद उन पर operation applicable होता था. अब इस सवाल में अगर हम देखें, तो हमें fractions नजर आ रहे हैं. एक फ्रैक्शन ये है, दूसरी फ्रैक्शन ये है. मैथ के मुताबिक अगर कोई क्वेश्चन फ्रैक्शन के अंदर आता है और उनमें मौजूद जो साइन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो आप उसको सॉल्व करने के लिए एलसीएम के मेथड यूज करते हैं. तो अगर इस क्वेश्चन पर नजर दौड़ाई जाए तो इसमें भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है. हमें फ्रैक्शन दी गई है और दरमियान में जो ऑपरेशन है वो माइनस है, जिसकी वजह से हमें इसका एलसीएम लेकर इसको सिंपलीफाई करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा. तो एलसीएम कैसे लेते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिनोमिनेटर को, मखरज को, जो नीचे मौजूद वैल्यूज हैं उनको चेक करते हैं. क्या वो एक जैसी है? अगर वो एक जैसी है, सिमिलर है, विद साइन, साइन भी साथ सिमिलर है, तो हम किसी एक को चूज कर लेते हैं एज एलसीएम. अगर वो सिमिलर नहीं है तो फिर हम देखते हैं उनमें कुछ सिमिलर हो एक दूसरे में, मतलब एक वैल्यू दूसरी को मुकम्मल डिवाइड करते हो. फॉर एग्जांपल जैसे हमने पहले भी मिसाल ली थी 1/2 + 1/4. अब 2 और 4 एक जैसे नहीं है, डिफरेंट है, लेकिन 2 और 4 एक दूसरे को मुकम्मल डिवाइड करते हैं. 2 4 को मुकम्मल डिवाइड करता है, 2 × 4 होता है. इसलिए हम जो एलसीएम लेते हैं वो बड़ी मुकम्मल अदद को लेते हैं, जिसको वो पूरा पूरा तकसीम करता है, जो इसमें शामिल है उसी को हम एलसीएम लेते हैं. तो इस सवाल में जब हमने देखा कि जो डिनोमिनेटर है वो एक जैसे नहीं है, ये और है, ये और है, तो फिर हमने ये चेक करने की कोशिश की कि क्या इनमें कुछ सिमिलरिटीज हो. देखने से तो पता नहीं चल रहा, लेकिन इनकी क्योंकि फैक्टराइजेशन हो सकती है, इसलिए इन्हें क्या करना होगा, फैक्टराइज करना होगा. x − 2/(x²+6x+9) फैक्टराइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हैं. फैक्टराइजेशन का तरीका फर्स्ट और लास्ट को हम करते हैं आपस में मल्टीप्लाई, 9x² हो गया. फिर क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट का जो हमने अभी मल्टीप्लाई करके लिया है, इसके 2 कंपोनेंट बनाते हैं. कैसे कंपोनेंट? कंपोनेंट तो पहले भी मौजूद थे, हमने अब कैसे कंपोनेंट बनाने हैं? हमने ऐसे कंपोनेंट बनाने हैं अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आंसर है. ये जो भी प्रोडक्ट था हमारे पास, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो यही आंसर है, और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो ये आंसर है. इस तरह हम किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं. फर्स्ट और लास्ट को करते हैं मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई करने के बाद उस वैल्यू के 2 कंपोनेंट बनेगा. कैसे कंपोनेंट? कि अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो वही प्रोडक्ट बने, और अगर उनको प्लस या माइनस किया जाए तो सेंटर में मौजूद ये वैल्यू बने. तो चेक करते हैं, 1 से शुरू करते हैं. 9 × 9 होता है, 9 × 9 होता है. चले 9 आ गया, 7x लगा देंगे, 9x² बन जाएगा. क्या इनको जमा या तफरीक करने से आंसर मिलता है? चेक कर लेते हैं. 9 + 1 = 10 होता है, और अगर माइनस किया जाए तो 9 − 1 = 8 होता है. यहां पर ना ही 10 है और ना ही 8 है, इसलिए हम ऐसा कर नहीं सकते, इसको हम चूज नहीं कर सकते. फिर हम क्या करते हैं, हम 1 के बाद 2 को चेक करते हैं. 1 के बाद 2 को चेक करते हैं. 2 × 9 = 18 हो जाता है. 1 × 9 = 9 हुआ था, 2 × 9 = 18 हो जाता है. और 2 को और बाद हम 3 को चेक कर लेते हैं. 3 × 3 अगर किया जाए तो 3 × 3 = 9 होता है. अगर x साथ लगा दे 3x × 3x 9x² प्रोडक्ट मिल गया. क्या जमा या तफरीक करने से हम सेंटर वाली वैल्यू मिल सकती है? चेक करते हैं. 3x + 3x 3 + 3 = 6 7x आ गया. तो हमारे पास भी यही वैल्यू है, तो हमें
इस वैल्यू के, इस प्रोडक्ट के दो ऐसे कंपोनेंट मिले, जब उनको मल्टीप्लाई किया गया तो कोई प्रोडक्ट आया, जब जमा या तफरीक किया गया तो वह वैल्यू मिल गई, तो हमें वो दो कंपोनेंट क्या हुए, मिल गए। तो इसकी जगह पर हम राइट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 9, ये वैसे रह गए, इसको हमने रिजॉल्व करके राइट कर दिया, माइनस x प्लस 2 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 18, 2 किसी का एक स्क्वायर बनता नहीं है, प्राइम नंबर, तो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, क्या 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया x स्क्वायर माइनस 18, 2 9 का 18, x माइनस 2 वैसे इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है, x ले लिया कॉमन, या एक x बचा प्लस प्लस x को हम कॉमन ले चुके हैं 3 बचा प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, एक 3 है, 3 9 3 का मल्टीपल है तो 3 कॉमन आ गया, 3 कॉमन ले लिया बाकी x बचा, उसके बाद प्लस प्लस 3 3 का 9 माइनस x प्लस 2 ओवर 2 2, ये आपको फार्मूला नजर आ रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, पर आप जानते हैं स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल है, x माइनस 2 ओवर दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन ले लिया, बाकी यहां से x बचा और यहां से प्लस 3 बचा, माइनस x प्लस 2 ओवर 2 इनटू, ये आपके पास फार्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या है, x प्लस 2 सॉरी x प्लस 3 इनटू x माइनस 3, a प्लस b इनटू a माइनस b। अब आप देखिए आपके पास इसके फैक्टर आपको मिल गए हैं, अब आप चेक कर सकते हैं कुछ सिमिलरिटीज हैं इनके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर देखिए x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 या x माइनस 3 जो एक जैसे हैं उन्हें एक अपराइट कर लो, समझे ये और ये एक जैसे हैं, एक दफा बाकी को रिपीट करके राइट कर दो, मल्टीप्लाई करके राइट कर दो, x प्लस 3 रिपीट हो रहा है तो इसका हमने स्क्वायर भाग डाल दिया, बाकी बचा x माइनस 3 साथ आ गया और क्या है 2 साथ मल्टीप्लाई हो गया, इस तरह हमने एलसीएम ले लिया। अब इनको इन पे डिवाइड करते हैं, x प्लस 3 x प्लस 3 x प्लस 3 का स्क्वायर x प्लस 3 का स्क्वायर सेम सेम से कट हो गया, बाकी जो बचा उसको ऊपर मल्टीप्लाई करना, 2 इनटू x माइनस 3 इनटू x माइनस 2 माइनस माइनस, अब इसका काम खत्म, अब इसकी बारी, 2 से 2 कैंसिल, x प्लस 3 से 1 x प्लस 3 कैंसिल, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, तो यहां बाकी क्या बचा, 1 x प्लस 3, तो उस x प्लस 3 को आप ऊपर मौजूद नॉमिनेटर में मौजूद वैल्यू से मल्टीप्लाई, अब आपने जस्ट कैलकुलेशन करनी है मल्टीप्लिकेशन की, तो को रहने दें, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर बन जाएगा, फिर x को माइनस 2 से माइनस 2x बन जाएगा, और इसी तरह माइनस 3 की बारी है, माइनस 3 इनटू x माइनस 2 माइनस 3x बनेगा, फिर माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, अब इसकी बारी माइनस x को x से मल्टीप्लाई करें x का स्क्वायर, फिर इस x को प्लस 2 से क्या आ जाएगा प्लस 2x, फिर प्लस 3 की बारी प्लस 3x प्लस 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 3 टू द 6 ओवर हमारे पास जो है 2 एंड 2, चलो मैं इसको तरतीब से राइट कर रहा हूं, छोटी पावर वाले पहले राइट कर रहा हूं, बड़ी वाले बाद में राइट कर रहा हूं, x प्लस 3 होल का स्क्वायर, अब कैलकुलेट कर सकते हैं 2 * x स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5x प्लस 6 माइनस x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस का 5x प्लस 6 ओवर डिनोमिनेटर सेम वैसे is equal to 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 5 का 10x प्लस 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 2 6 का 12 माइनस x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5x माइनस प्लस माइनस 6
जो डिनोमिनेटर है सेम वैसे। अब देख लें जो प्लस माइनस होते हों आपस में कैलकुलेट होते हों आप कैलकुलेट कर लें। x square 2x square माइनस x square बचा माइनस 10x माइनस 5x माइनस का 15x हो गया प्लस 12 माइनस 6 प्लस का 6 हो गया। नीचे वाली वैल्यू वैसी की वैसी। अब देखें ऊपर मौजूद जो वैल्यूज हैं अगर उसके फैक्टर बनते हैं आप मजीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं बनते तो ही हमारा आंसर होगा। अब फैक्टर बनते हैं या नहीं बनते यहां पर जो मौजूद वैल्यू होती है उसका जो कोएफिशिएंट है अगर इसको और इसको मल्टीप्लाई करने से जो कांस्टेंट की वैल्यू बनती है प्रोडक्ट बनता है उससे बड़ा हो तो उसके फैक्टर्स नहीं बन सकते। तो यहां अगर आप चेक करें तो 15 है 6 को 1 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसका कोएफिशिएंट 1 है मल्टीप्लाई करें तो 6 ही बनता है तो ये इससे छोटा है इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है तो ये हमारा क्या है आंसर। इसको राइट करना है अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है।